आप आत्मकथा लिख रहे हो कि आप बर्ड हो और आप आत्मकथा लिख रहे हो कि आप बर्ड कैसे बने ठीक है अपने बारे में बता रहे हो कि बर्ड के हिसाब से आप कैसे कर रहे हो तो ये क्लास सिक्स सेवेंथ एट किसी भी स्ट्रीम एन सी आर टी सी बी एस आई सी एस सी कोई भी और स्कूल्स है ना सिक्स सेवेंथ एर्थ किसी भी क्लास के लिए हो सकता है ठीक है सो so, मैं आपको ये मैंने लिखा है यहाँ पे तो अगर आपको कुछ हॉलीडे होमवर्क ऐसा मिला है या कोई ऐसे आ, आता है ऐसे लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं ओके <laughs> okay. क्योंकि यहाँ पे हम एक बर्ड बने हैं तो हम एक बर्ड के हिसाब से लिख रहे हैं ओके okay. तो मैं आपको एक 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 पैराग्राफ पढ़ूंगी और एक 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 पैराग्राफ का मतलब समझाऊंगी कि, कि इसमें होता क्या है ठीक है इसका मतलब क्या है तो आप ऐसे या कुछ और करके कैसे भी इसमें अपना अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बर्ड तो लेट्स स्टार्ट ओके सो वी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लीविंग डायरेक्टली डेलिकेटली फ्रॉम माय एक्शन आई केम इनटू दिस वर्ल्ड माय पेरेंट्स वर माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बिकॉज दे टॉट मी एवरी एंड हाउ Slowly crawling, I saw bright, shining sunbeams with dancing trees. ठीक है तो ये जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा ठीक है जो हाईलाइट कर रखा है तो इसका मतलब क्या है एज अ बर्ड हो आप बर्ड हो तो आप बता रहे हो कि आपके बर्ड हमें पता है कि अंडे से निकलती है ठीक है तो आप बोल रहे हो कि मैं अपने अंडे से धीरे धीरे निकला और इस दुनिया के अंदर आया जब मैं उस दुनिया के अंदर आया मैंने अपने पेरेंट्स को देखा और वो ही मेरे सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया बट कैसे सिखाया मैं आपको बताता हूँ स्लोली 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 जब मैं अपने अंडे से निकला तो मैंने क्या देखा लाइट शाइनिंग सनबीम्स ट्री में पैदा हुआ होगा है ना ट्री में ट्री पैदा होते हैं बर्ड तो आप बता रहे हो मैंने शा, शा, ट्री की जो आई मीन सन की जो लाइट है वो देखी वो शाइन कर रही थी डांसिंग ट्रीज अब ट्रीज तो डांस नहीं कर सकते लेकिन आपके पत्ते जो ऐसे ऐसे लहराते हैं तो एक बच्चे के हिसाब से सोचो कि बच्चा आप देख रहे रहे हो और सामने ऐसे पत्ते हिल हवा से ठीक है तो उस हिसाब से वो बता रहा है कि मैं पत्ते देख रहा हिल रहे हैं और उसको वो डांसिंग ट्रीज लग रहे हैं ठीक है अब देखो ये वाला पैराग्राफ माई पेरेंट्स टोल्ड मी इट वॉज द वर्ल्ड एंड दैट आई बिलोंग they fed me every day and put me at ease in the prettiest of nests when the knight was wearing his darkest coat they warmed me with their softest feathers they taught me daily the affairs of the world and how life and the world were kept in a great ship the most exciting day of my life was when i learned to fly because the strength of each bird is to have a perfect flight. this paragraph, ठीक है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि भाई ये ही है वो दुनिया जहां पे तुम बिलोंग करते हो ये डांसिंग ट्रीज है ना पत्ते ऐसे हरियाली से ठीक है शाइनिंग सन बीम्स बिल्कुल सारा कुछ ऐसे ही एवरी डे उन्होंने मुझे रोज कुछ ना कुछ खाना खिलाया और मुझे अच्छे से नेस्ट में गर्म करके रखते थे nest, उनका नेस्ट था, तो नेस्ट में करके रखते थे और जब रात ठंड हो जाती थी तो कैसे गर्म करते थे दिन में तो चलो धूप है सब कुछ गर्म ही रहता था रात को जब ठंड हो जाती थी तब वो मुझे अपने पंख के नीचे सला देते थे मुझे सारे अफेयर्स के बारे में बताया अच्छा दुनिया में ऐसा होता है ऐसा होता है, है ना और वो बोल रहा है सबसे एक्साइटिंग डे मेरी लाइफ का क्या था जब मैंने एज अ बर्ड उड़ना सीखा और उड़ना सीखा उड़ना तो ठीक है लेकिन एक परफेक्ट फ्लाइट लिया फ्लाइट क्या होती है आप देखते हो बर्ड ऐसे चलती है या कभी आपने एरोप्लेन देखा होगा नीचे से ऐसे जाता है ऐसे जाता है और फिर ऐसे चलता है तो ये जो चीज है ऐसे रहना और ऊपर जाना इसको फ्लाइट बोलते हैं बर्ड देखिए ऐसे नीचे जाती है और फिर ऊपर जाती है तो इस चीज को फ्लाइट बोलते हैं तो ठीक है तो वो बोल रहा है कि मुझे सबसे अच्छा लगा कि जिस दिन मेरी पहली उड़ान हुई ठीक है जब मैं पहली बार उड़ना सीखा अब वो बता रहा है आई कुड नॉट फ्लाई परफेक्टली बट डे बाई डेली प्रैक्टिस आई परफेक्टेड माई फ्लाइट एवरी डे आई लर्न अबाउट माई सेल्फ एंड अराउंड मी दई लाइफ वॉज वेन आई टू लीव होम टू फाइन माई सेल्फ I left home and flew to the world that saw plenty. अब वो बता रहा है कि मैं रोज मेरी फर्स्ट फ्लाइट अच्छी नहीं थी लेकिन मैंने रोज डेली प्रैक्टिस करी और क्या हुआ मैं परफेक्ट फ्लाइट ले पाया नया नया रोज मैंने सब कुछ सीखा इस वर्ल्ड के बारे में अपने बारे में बट सबसे सैड डे मेरे लिए ये था कि जब मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा क्यों घर छोड़ना पड़ा एज अ बर्ड को अब बर्ड आप देखते हो हमेशा अपने आप कारा काम करती है अपना अपना खाना खुद लेके आती है अपने नेस्ट खुद बनाती है तो उसको भी अपना खाना अपना नेस्ट खुद बनाना था जब छोटे होते हैं बच्चे बर्ड्स के तो मम्मी पापा के साथ रहते हैं लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अलग रहते हैं ठीक है तो वही वो बता रहा है कि अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं अलग रहूंगा अब मैं और यही मेरे लिए सबसे ठीक है अब वो बता रहा है कि क्या हुआ उस दिन उसके साथ इट वॉज अ ब्राइट डे वेन आई वॉज अ लोन इन सर्च ऑफ फूड एंड कम्फर्ट आई हैड टू सेवरी डे आई केम आउट ऑफ दाउस बट आई केम बैक एट नाइट विदमक full of satisfaction. Every day I travel the world with and and met new birds and made new birds made friends. मुझे रोज कुछ ना कुछ इतनी डिफिकल्टीज होनी पड़ती थी कभी कभी मैं रात को घर खाली पेट आता था कभी कभी मैं भरे पेट के साथ भी आता था लेकिन इस मुझे रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिला रोज नए बर्ड्स मिले मैंने नए फ्रेंड्स बनाए है, अब वो बता रहे हैं अपने फ्रेंड के बारे में माई बेस्ट फ्रेंड वॉज अ वेलाइक मी हू वॉज अर्ड वी बोट ट्रेवल दर्ल्ड एंड माइग्रेटेडिव प्लेसेज इट वॉज ब्यूटिफुल टू सी द ग्रीनरी एंड कलर बिकॉज इट्स फॉर मी लाइफ वॉज ऑल अबाउट दिस टू विज वेरी ब्यूटिफुल प्लेस इट इट वॉज टाइम फॉर मी टू अट्रैक्ट फीमेल बर्ड टू फाइंड अ मेट एंड आई डिड इट she was the prettiest lyrebird I had ever seen. We both rested under a beautiful nest and made our life even more wonderful with little babies. They completed the life and we made a nice family. This is the life I dreamed about and that everyone should dream of. अब वो बता रहा है कि मैं अपने दोस्त से मिला जो एक woodpecker था. Woodpecker एक बird होती है जो आप चोच मारती है wood में और hole कर देती है. ठीक है. तो वो बता रहा है मैं उसके साथ दोस्त बना, मैं घूमा उसके साथ. ठीक है. ठीक है और फिर उसने बोला कि मैं उसके साथ नए नई जगह जाता था नए नए लोग करता था फिर मुझे फिर उसने बोला मुझे एक लड़की मिली मुझे अच्छा लगा उसके साथ है ना लड़की फीमेल बर्ड मिली मैंने उसके साथ रहना शुरू किया और फिर हमने शादी करी और हमने बच्चे पैदा करे ठीक है और उसके बाद हमने नाइस फैमिली बनाई और यही लाइफ में देखता था और ड्रीम करता था और मैं अब ये लाइफ जी रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे हमने आत्मकथा खत्म कर दी ठीक है तो अपनी ऑटोबायोग्राफी एक हद तक तो मतलब आप कौन से मोड़ तक अपनी आत्मकथा बता रहे हो वहीं तक आपने बताना है तो ये थी मेरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बर्ड पे ऐसे आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हो और कुछ आइडियाज भी हो सकते हैं तो वैसे भी लिख सकते हो ठीक है तो ये था मेरा लिखने का तरीका अब आप मुझे बताना आपको अगर और कुछ है तो And if you like this video, please subscribe, like, share. Thank you. Bye bye.